ये कहानी है उस समय का जब असुरों और देवों के बीच बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था। बहुत बड़ा असुर था, उसका नाम है शंखचूर। उसके आतंक बहुत हो चुका था, देवताओं को परास्त करके उसने देवराज का पद भी छीन लिया। वहां से इस कहानी का आरंभ हुआ और उस शंखचूर की शक्ति केवल उसकी पत्नी तुलसी का बहुत बड़ा प्रेम है, लेकिन वो प्रेम नहीं, वो मोह है। उस प्रेम और मोह को तोड़ने के लिए उन्हें धरती पर पुनः अवतार लेना पड़ा। देखो बहुत बड़ा संकट है, शंखचूर ने पूरी धरती पर आतंक बचाया और देवलोक को भी परास्त कर दिया और सारी देवी देवता महादेव के पास गया है। उसकी प्रसाद हमारे पास आएगा सब लोग। हाँ जानता है देवी, हम जानता है और हमें उनकी मदद करना ही होगा। और मुझे लगता है हमारा एक और जन का समय आ चुका है। सारी देवी देवता महादेव के पास गया और वहां पर महादेव से कहा अपनी सारी बातें। प्रार्थना महादेव बचाइए, महादेव असुरों से बचाइए महादेव। हाँ देवताओं, हमने देख लिया है सब कुछ। शंखचूर ने अपने अहंकार और अपनी मोह के कारण ये सब कुछ किया है। अब उसका वध निश्चित है। शंखचूर का वध करने के लिए हमें नारायण के पास जाना होगा। आओ सब। ठीक है महादेव, ठीक है। अब सब यहाँ आ गया महादेव, आप भी। हम जानता है आज सब यहाँ क्यों आया है, लेकिन शंखचूर का अंत हमारा हाथों द्वारा नहीं है, लेकिन हम मदद तो कर सकता है, उपाय दे सकता है। शंखचूर का अंत करना है तो मुझे धरती पर जाकर उस देवी तुलसी को इस महामोह प्रेम से मुक्त करना होगा। उसकी पश्चात हमें शंखचूर का रास्ता भटक कर आपकी उसी त्रिशूल से शंखचूर को मारना होगा। यही है शंखचूर का वध हो सकती है, यही एक उपाय है महादेव। हाँ आराध्य, आपने सही कहा, हमें यही करना होगा और हमें यही ही करना होगा। आप धरती पर जाइए और देवी तुलसी को इस मोह से मुक्त कर दीजिए। हम देवलोक पर जाकर उस शंखचूर को खत्म करता है। हाँ महादेव, ठीक है। और मैं ब्रह्मदेव आपको धरती
धरती पर कोई भी मुसीबत हो, कोई भी संकट हो, आपको हमारी जरूरत पड़ेगा। इसलिए जब भी आपकी मदद हो तो आप हमें याद करना, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ब्रह्मदेव आपकी दुख भी समझ सकता है, क्योंकि देवी तुलसी का ये महामोह का प्रेम है ना, इसे भंग करना हमारे लिए उचित है। इसलिए हम दोनों को धरती पर जाना होगा, यानी मुझे और दे लक्ष्मी को, हम दोनों जाएगा। नारायण जाओ। जैसे महादेव ने अपनी त्रिशूल से शंखचूर का वध कर दिया और नारायण ने देवी तुलसी को मोह प्रेम से मुक्त कर दिया। आप ये कौन? आप कितनी सारी बातें कर दिया, ये कौन आप? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो आपको सही समय पर बताऊंगा। और आपको ये शंखचूर से यानी आपके पति से इतना महामोह प्रेम मत करना चाहिए देवी, ऐसा मत करो। मैं अपने पति से प्रेम करूं या ना करूं, आपको क्या तकलीफ है बताओ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये संसार के हित के लिए ये प्रेम नहीं है, मोह है। अच्छा ये मोह है, तो मुझे आप प्रेम ही सिखा दो। प्रेम तो आपके भीतर है, एक बार आंखें बंद करो तो आपको प्रेम दिखाई देगा। आपने तो सही कहा, प्रेम तो दिखाई दिया मैंने अंधा प्रेम करके मोह से। अब मैं अच्छे से उनसे प्रेम करूंगा। ये क्या हुआ, मेरी शक्तियों को इतनी तकलीफ, मेरी शक्ति क्यों काम नहीं कर रहा है? और ये क्या हुआ, महादेव अपनी त्रिशूल मुझ पर फेंक रहा है, अब मेरा अंत करने जा रहा है, ये कैसा संभव है, क्या हुआ? मैंने अब इस शंखचूर नाम का असुर का वध कर दिया, अब इस संसार और पृथ्वी लोग सुरक्षित है। देवी अपने पूछा था ना मैं कौन हूँ, ये देखो। नारायण आपने मुझे छल कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया और मेरी पति को मार दिया धोखे से अपने। इसलिए मैं देवी तुलसी आपको श्राप देती हूँ, आज से इसी समय से इसी वक्त से आप पाषाण बन जाओगी और पाषाण बनकर सदा सदा के लिए यहाँ रहेगी, ये मेरी श्राप है आपको। ये क्या कर दिया देवी तुलसी ने, मेरी नारायण को श्राप दे दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है देवी तुलसी आखिर कौन है, उन्हें तो बताना ही होगा मुझे जल्दी से जल्दी जाकर पृथ्वी लोक पर। रुको देवी, ये श्राप एक कहानी का आरंभ है, आपको सही समय आने पर बताऊंगा नहीं, अभी आपको बताता हूँ। ये कहानी है कि हमारी नारायण की, मेरा आराध्य नारायण की एक अवतार का एक ऐसा रूप जो होने वाला है, देखो आप पृथ्वी लोक पर। ये तो नारायण का एक ऐसा रूप है जो मोहित कर रहा है, अब एक कौन सा रूप है महादेव बताइए? ये वो रूप है जो सब पर है, ये वो रूप है जो इस प्रकृति पर लीन है।
दुष्टों का संहार और असुरों का विनाश के लिए हुआ है ये रूप, प्रेम के लिए हुआ है। इसका नाम है बाके बिहारी। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर देवी तुलसी को सारी बात बतानी होगी। लक्ष्मी आप यहाँ क्यों तकलीफ किया, क्या हुआ बताइए। आपसे एक बात बनी है देवी तुलसी, अब जिसको श्राप दिया है ना नारायण, आपको पता नहीं है वो क्या है, आप खुद आप कौन है वो भी आपको पता नहीं है। आप गोलोक की एक दासी था जिन्होंने नारायण को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया था, उसके कारण से नारायण को अपने प्राप्त करने के लिए वचन दिया था नारायण ने आपके साथ विवाह रह जाएगा। आज आपका और नारायण का विवाह होना निश्चित है और आपको नारायण को श्राप से मुक्त करना होगा। क्या हुआ मेरे हाथों द्वारा बहुत बड़ा पाप हुआ, ये क्या हुआ, आप मुझे नारायण को इस श्राप से मुक्त करना ही होगा। जल्दी से जल्दी मुझे अपनी शक्तियों से नारायण को मुक्त करनी ही होगी। देवी तुलसी अपने मुझे श्राप दिया, ये एक नियति था, मेरा एक अवतार था उसके लिए। अब आने वाले समय पर आप हमेशा मेरे ही निकट होगी और आपको इसलिए इस कलयुग की अंत तक आपको रहना होगा। द्वापर युग की पश्चात कलयुग आएगा, उसकी अंत तक आपको रहना होगा, इसलिए आपको एक पौधे का रूप पर धारण होना होगा और एक छोटी सी पौधा जो औषध और रोगों की और बीमारियों की नष्ट होगा आपके कारण, इसलिए आपको एक पौधा रूप धारण करना होगा मुझसे शादी करने की पश्चात। मंसूर है, हर एक बात मंसूर है नारायण, आपसे शादी करना तो मेरी तपस्या और मेरी स्वप्न था, अब वो पूर्ण होने वाली है इसलिए मैं तैयार हूँ। देवी तुलसी अपने मुझसे शादी करके एक
पौधे का रूप धारण कर दिया है। इसलिए आज मैं आपको वचन देता हूँ, हमेशा आपके पास रहूंगा और शालिग्राम के रूप पर मैं आपके पास रहूंगा और समय आने पर मेरा इसी ताकि बिहारी अवतार लेना कलयुग पर पूरा होगा, जब आपको मुक्त करने के लिए मैं आऊंगा और साथ ही साथ आपको पुनर्विवाह करके पौधे से साधारण रूप पर लेकर आकर और आपको वापस गोलोक पर भेज दूंगा। वचन है, ये था देवी तुलसी और बाकी बिहारी कहानी। देवी तुलसी विवाह की और बाकी बिहारी की यही कहानी है। असुरों का विनाश और दुष्टों का संहार के लिए नारायण ने बाकी बिहारी अवतार लिया और देवी तुलसी से शादी करके उन्होंने संसार को औषधि का और प्रेम का एक सीख दे दिया और अब नारायण का इस बाकी बिहारी अवतार पूर्ण होने के लिए कलयुग तक प्रतीक्षा करना होगा देवी तुलसी का पुनर्विवाह के लिए।